हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। अगर आप भी एक नया स्मार्टफोन बाय करने की सोच रहे हैं और आपका बजट 6000 से 7000 के आसपास है, इस बजट में आपको एंट्री लेवल स्मार्टफोन देखने को मिलेंगे, जिसमें आपको एक बड़ी बैटरी देखने को मिल जाएगी, एक डिस्प्ले और नॉर्मल गेमिंग के लिए एक अच्छा प्रोसेसर। इस लिस्ट को नंबर 5 से स्टार्ट करेंगे और जो स्मार्टफोन नंबर 1 पर है आप उसे मिस मत करना। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी दबा दें। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक भी कर देना। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। नंबर 5 पर जो स्मार्टफोन रखा गया है वो आपको टेक्नो की तरफ से देखने को मिलता है, टेक्नो पो 5 लाइट। इस स्मार्टफोन में आपको काफ़ी स्टाइलिश डिज़ाइन देखने को मिलता है। इसमें आपको 5000 mAh की बड़ी बैटरी दी गई, साथ में फास्ट चार्जर। अगर इसकी मेन फीचर्स की बात करें तो इसमें आपको 6.5 इंच की HD+ IPS डिस्प्ले दी गई है। डिस्प्ले काफ़ी बड़ी दी गई है, आपको मूवी एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा रहेगा और कलर भी काफ़ी अच्छे हैं। अगर इसके कैमरे की बात करते हैं तो इसमें आपको 8 MP का AI ड्यूल कैमरा दिया गया है और सेल्फी के लिए इसमें आपको 5 MP मिलता है। प्राइस रेंज में देखें तो कैमरे भी अच्छे हैं। इस स्मार्टफोन में आपको डेडिकेटेड स्लॉट देखने को मिलता है, जिसमें आप 2 SIM लगा सकते हैं और एक मेमोरी कार्ड। और मेमोरी कार्ड को आप 256 GB तक एक्सपेंड कर सकते हैं, जो काफ़ी अच्छी बात है। परफॉर्मेंस के लिए इसमें आपको अच्छा प्रोसेसर भी दिया गया है, जो इस प्राइस रेंज में काफ़ी अच्छा है। यूनिसॉक SC9863A काफ़ी अच्छा प्रोसेसर है। मल्टीटास्किंग में आपको काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस देखने को मिलेगा। ये एक ऑक्टाकोर प्रोसेसर है, जिसकी क्लॉक स्पीड 1.6 GHz है और साथ में आपको 2 GB RAM 32 GB स्टोरेज दी गई है। और ये स्मार्टफोन एंड्रॉयड 11 गो पर रन करता है। अगर इसकी प्राइस की बात करते हैं तो 2 GB RAM 32 GB स्टोरेज वाला वेरिएंट आपको 6990 में देखने को मिल जाएगा, जो काफ़ी अच्छा है। और इस प्राइस रेंज में काफ़ी अच्छा स्मार्टफोन है। आप वीडियो में बने रहिए, आगे भी आपको अच्छे स्मार्टफोन देखने को मिलेंगे। इस लिस्ट में नंबर 4 पर जो स्मार्टफोन है वो रेडमी की तरफ से है, Redmi 9A। इस प्राइस रेंज में ये स्मार्टफोन काफ़ी अच्छे फीचर्स के साथ आता है। इसमें आपको डॉल्बी एटमॉस डिस्प्ले दी गई है, 6.5 इंच की IPS डिस्प्ले है। डिस्प्ले का साइज काफ़ी बड़ा है। मूवी एक्सपीरियंस और एंटरटेनमेंट में आपको काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहेगा। अगर ये स्मार्टफोन की एंड्रॉयड की बात करें तो ये एंड्रॉयड 10 पर रन करता है। इसमें आपको MIUI 12 दिया गया है। ये स्मार्टफोन डेडिकेट स्लॉट के साथ आता है, जिसमें आप 2 SIM लगा सकते हैं और एक मेमोरी कार्ड। आप इसकी मेमोरी को स्पेंड भी कर सकते हैं। अगर इसके कैमरे की बात करते हैं तो इसमें आपको रियर में ड्यूल कैमरा दिया गया है, मेन कैमरा 30 MP का प्लस में AI कैमरा देखने को मिलता है और सेल्फी में आपको 5 MP का दिया गया है। इस प्राइस रेंज में काफ़ी नॉर्मल कैमरे मिलते हैं, जो काफ़ी अच्छे भी हैं। अगर इसकी परफॉर्मेंस की बात करें तो उसके लिए इसमें आपको MediaTek की तरफ से एक अच्छा प्रोसेसर देखने को मिलता है, MediaTek Helio G25। ये काफ़ी ऑक्टाकोर प्रोसेसर है, इसकी क्लॉक स्पीड 2 GHz है। इसके साथ आपको 2 GB RAM 3 GB RAM का सपोर्ट भी देखने को मिलता है और साथ में 32 GB के स्टोरेज। अगर इसकी पावर की बात करते हैं तो उसमें आपको 5000 mAh की बड़ी बैटरी दी गई है। इस स्मार्टफोन में आपको अदर फीचर्स भी देखने को मिलते हैं, इसमें आपको फेस अनलॉक भी दिया गया है और पैटर्न भी देखने को मिलता है। अगर इसकी प्राइस की बात करते हैं तो 2 GB RAM 32 GB स्टोरेज वाला वेरियंट आपको 6895 रुपये मिलता है। अगर इसके फीचर्स देखें तो प्राइस भी काफ़ी अच्छा है। इस प्राइस रेंज में स्मार्टफोन काफ़ी अच्छा देखने को मिलता है, आप इसे बाय कर सकते हैं। इस लिस्ट में नंबर 3 पर जो स्मार्टफोन है वो आईटेल की तरफ से है, आईटेल विजन 2S। स्मार्टफोन काफ़ी स्टाइलिश है, उसमें आपको डीप ब्लू कलर देखने को मिलता है, जो काफ़ी अच्छा भी लगता है। इसमें आपको 5000 mAh की बड़ी बैटरी दी गई, साथ में फास्ट चार्जर। अगर इसकी मेन फीचर्स की बात करें तो इसमें आपको 6.5 इंच की HD+ IPS डिस्प्ले दी गई है। डिस्प्ले काफ़ी बड़ी दी गई है, आपको मूवी एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा रहेगा और कलर भी काफ़ी अच्छे हैं। अगर इसके कैमरे की बात करते हैं तो इसमें आपको 8 MP का AI ड्यूल कैमरा दिया गया है और सेल्फी के लिए इसमें आपको 5 MP मिलता है। प्राइस रेंज में देखें तो कैमरे भी अच्छे हैं।
इस स्मार्टफोन में आपको डेडिकेटेड स्लॉट देखने को मिलता है जिसमें आप दो सिम लगा सकते हैं और एक मेमोरी कार्ड, और मेमोरी कार्ड को आप 256 GB तक एक्सपेंड कर सकते हैं जो काफ़ी अच्छी बात है। परफॉर्मेंस के लिए इसमें आपको अच्छा प्रोसेसर भी दिया गया है जो इस प्राइस रेंज में काफ़ी अच्छा है, यूनिसॉक SC9863A। काफ़ी अच्छा प्रोसेसर है, मल्टीटास्किंग में आपको काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस देखने को मिलेगा। ये एक ऑक्टा कोर प्रोसेसर है जिसकी क्लॉक स्पीड 1.6 GHz है और साथ में आपको 2 GB रैम 32 GB स्टोरेज दी गई है। और ये स्मार्टफोन एंड्रॉयड 11 गो पर रन करता है। अगर इसकी प्राइस की बात करते हैं, 2 GB रैम और 32 GB स्टोरेज वाला वेरियंट आपको 6649 में देखने को मिलता है। अगर इस फीचर्स देखें और प्राइस देखें तो काफ़ी अच्छा है, आप इसे बाय कर सकते हैं। सेकंड नंबर पर जो स्मार्टफोन है वो भी आपको आईटेल की तरफ से देखने को मिलता है, आईटेल विजन 2। ये स्मार्टफोन आपको 8.3 mm थिकनेस के साथ देखने को मिलता है, प्रीमियम डिजाइन दिया गया है और डीप ब्लू कलर जो काफ़ी अच्छा लगता है। अगर इसके मेन फीचर्स की बात करते हैं तो इसमें आपको 6.6 इंच की पंच होल डिस्प्ले दी गई है। डिस्प्ले साइज काफ़ी अच्छा है, आपका व्यू एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा रहेगा और बॉडी रेशियो 90% दिया गया है। ये स्मार्टफोन एंड्रॉयड 10 गो पर रन करता है। अगर इसकी कैमरे की बात करते हैं तो इसमें आपको ड्यूल कैमरा दिया गया है 13+2 और सेल्फी में आपको 8 MP मिलता है। इस प्राइस रेंज के हिसाब से काफ़ी अच्छे कैमरे दिए गए हैं। ये स्मार्टफोन भी आपको डेडिकेट स्लॉट के साथ देखने को मिलता है। इसमें आप एक साथ दो सिम लगा सकते हैं और एक मेमोरी कार्ड, और इसकी मेमोरी आप एक्सपेंड भी कर सकते हैं। अगर इसकी प्रोसेसर की बात करते हैं तो उसमें आपको ऑक्टा कोर प्रोसेसर दिया गया है जिसकी क्लॉक स्पीड 1.6 GHz है। इस स्मार्टफोन के साथ आपको एक अदर बेनिफिट भी मिलता है, 1 टाइम स्क्रीन रिप्लेसमेंट फ्री देखने को मिलता है जो काफ़ी अच्छी बात है। अगर इसके अदर फीचर्स की बात करें तो उसमें आपको फेस अनलॉक दिया गया है और फिंगरप्रिंट। इस प्राइस रेंज में आपको फिंगर अदर कंपनी नहीं देती, इस कंपनी ने आपको फिंगरप्रिंट भी अवेलेबल दिया है। अगर इसकी पावर की बात करते हैं तो इसमें आपको 4000 mAh की बड़ी बैटरी देखने को मिलती है और साथ में फास्ट चार्जर पावर भी आपको अच्छी मिलती है। अगर इसकी प्राइस की बात करते हैं तो 2 GB रैम और 32 GB स्टोरेज वाला वेरियंट आपको 6599 रुपये मिलता है। ये फीचर्स के साथ इस प्राइस रेंज में स्मार्टफोन काफ़ी अच्छा रहेगा, आप इसे बाय कर सकते हैं। इस लिस्ट में लास्ट एंड नंबर 1 पर जो स्मार्टफोन रखा गया है वो इन्फिनिक्स की तरफ से है, इन्फिनिक्स स्मार्ट HD। ये स्मार्टफोन आपको काफ़ी अच्छे डिजाइन के साथ देखने को मिलता है और काफ़ी अच्छे फीचर्स साथ लाता है इस प्राइस रेंज में। इसमें आपको जैम कट टेक्सचर डिजाइन देखने को मिलता है जो काफ़ी अच्छे आप इसे फील कर सकते हैं। इसके अगर मेन फीचर्स की बात करते हैं तो इसमें आपको 6.1 इंच की HD+ वाटर ड्रॉप नॉच के साथ डिस्प्ले दी गई है जो IPS डिस्प्ले है। डिस्प्ले कलर आपको काफ़ी अच्छे दिए गए हैं और इसका बॉडी रेशियो 85% है जो काफ़ी अच्छा है, आपका व्यू एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा रहेगा। ये स्मार्टफोन एंड्रॉयड 10 गो पर रन करता है। अगर इसके कैमरे की बात करते हैं तो इसमें आपको 8 MP रियर में दिया गया है और सेल्फी में आपको 5 MP मिलता है। इसके कैमरे की क्वालिटी भी काफ़ी अच्छी है। स्मार्टफोन आपको डेडिकेट स्लॉट के साथ देखने को मिलता है, इसमें आप दो सिम लगा सकते हैं और एक मेमोरी कार्ड, इसे आप 256 GB तक एक्सपेंड भी कर सकते हैं। अगर परफॉर्मेंस की बात करते हैं तो उसके लिए इसमें आपको मीडियाटेक की तरफ से काफ़ी अच्छा प्रोसेसर दिया गया है, मीडियाटेक हीलियो A20। ये एक ऑक्टा कोर प्रोसेसर है जिसकी क्लॉक स्पीड 1.8 GHz है। इसमें आप मल्टीटास्किंग आराम से कर सकते हैं और हल्की फुल्की गेमिंग भी कर सकते हैं। अगर इसके अदर फीचर्स की बात करें, इसमें आपको फेस अनलॉक दिया गया है और साथ में एक प्लस पॉइंट ये भी, इसमें आपको फिंगरप्रिंट मिलता है जो काफ़ी अच्छी बात है। इस प्राइस रेंज में काफ़ी कम स्मार्टफोन में आपको फिंगरप्रिंट देखने को मिलता है। अगर पावर की बात करें तो इसमें आपको 5000 mAh की बड़ी बैटरी दी गई है और साथ में फास्ट चार्जर। इस स्मार्टफोन में आपको पिछले स्मार्टफोन से बैटरी बड़ी मिलती है तो इसे नंबर 1 पर इसलिए रखा गया है। अगर इसकी प्राइस की बात करते हैं तो 2 GB रैम 32 GB स्टोरेज वाला वेरियंट आपको
6,499 रुपये में मिलता है, जो इस प्राइस रेंज में काफ़ी अच्छा स्मार्टफोन है, जो काफ़ी अच्छे फीचर के साथ आता है, आप इसे बाय कर सकते हैं। इस वीडियो में जिन भी स्मार्टफोन के बारे में आपको बताया गया काफ़ी अच्छे ब्रांड की तरफ से देखने को मिलते हैं, और वो भी 6 से 7 हज़ार की प्राइस रेंज में और काफ़ी अच्छे फीचर्स के साथ आते हैं। इसमें आपको 6,000 mAh की बैटरी तक मिलती है, 6 इंच से ऊपर की डिस्प्ले मिलती है, फिंगरप्रिंट भी मिलता है और एक अच्छा प्रोसेसर। आपको जो भी स्मार्टफोन अच्छा लगता है आप उसे बाय कर सकते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नया चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।